पाकिस्तान एक तरफ तो अपनी नापाक हरकत करता है, दूसरी तरफ उन पर पर्दा डालकर गीदर भभकियां देता है। इसे कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना जोरी। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो कहा है उसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। देखिए खास रिपोर्ट। कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से ज्यादा हिंदुस्तानी जवान शहीद हो गए, जिसके बाद पूरे देश में गजब का गुस्सा है। देश का हर नागरिक चाहता है कि वो देश के जवानों की शहादत का बदला ले। वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को धमकी भरे अंदाज में चुनौती दी है। पुलवामा हमले के 5 दिन बाद मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए इमरान खान ने कहा कि पुलवामा हमले में जैश ए मोहम्मद के शामिल होने के बारे में अगर भारत सबूत दे तो वो कार्रवाई करने को तैयार है। भारत बिना किसी सबूत के पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है। अगर भारत ने जंग छेड़ी तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। जंग शुरू करना आसान है, लेकिन उसे खत्म करना इंसान के वश में नहीं रह जाता। यदि जंग हुआ तो पाकिस्तान इसका करारा जवाब देगा। इमरान खान यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान को पाक साफ बताते हुए आगे कहा कि नए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार रहा है और आतंकवाद की वजह से देश के 70,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हम जब भी वो बातचीत का मसला उठाते हैं तो भारत पहले आतंकवाद पर बातचीत करने की शर्त रख देता है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत को ये देखना होगा कि कश्मीर में क्या हो रहा है। भारत में आम चुनाव आने वाले हैं, इसलिए जंग का माहौल बनाया जा रहा है। बहरहाल तो ये था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान। अब इसे बयान कहें या धमकी ये तो वो ही जाने, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ चोरी और दूसरी तरफ सीना चोरी। वैसे ये बात तो पाकिस्तान को समझनी चाहिए कि अगर जंग हुआ तो किसे करारा जवाब मिलेगा। खबर अपडेट की रिपोर्ट।